Good morning everyone, I am Gopikumar Srivastav and in this video we are going to discuss the new topic investment fluctuating reserve या fluctuation reserve कह सकते हैं इसको और ये class 12 है and this is chapter number 4 changing profit sharing ratio. So in this question, in this topic we are going to discuss the questions related to investment fluctuating reserve कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है उससे हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक ना, पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है. इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप फ्लक्चुएटिंग बोलिए, फ्लक्चुएशन कह सकते हैं आप इसको, फ्लक्चुएशन रिजर्व. ठीक है, होता क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सबसे पहले यही जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये चीजें पता रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है क्या. तो आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने एक बैलेंस शीट का एक टुकड़ा बनाया जिसमें इन्वेस्टमेंट को मैंने 4 लाख को दिखाया और यहाँ रिजर्व जो है 6,500 रुपये का है. बात समझिएगा, देखिए आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, लैंड एंड बिल्डिंग को ले ली और उस लैंड एंड बिल्डिंग में हम लोग क्या किए, कुछ लोगों को रेंट पे लगा दी, तो वहां से जो रिटर्न आता है, वो जो पैसा आता है, हम उसको एक तरह का रिजर्व कर देते हैं. रिजर्व मतलब कि इसको बचा के रख लेते हैं, मतलब हम कहीं भी पैसा लगाते हैं तो उससे हमको जो भी फायदा होता है उन सब को हम लोग एक तरह से रिजर्व करके रख लेते हैं. ठीक है, तो कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, जो फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, वो लोग हमेशा जो भी इन्वेस्ट करता है उससे जो भी फायदा होता है उन पैसा को वो लोग रिजर्व करके रखता है. तो ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कहलाता है. जो बस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हो उसको अगर आप रिजर्व कर देते हैं, मतलब रख देते हैं फर्म में और उसको आप खर्च नहीं करते हैं और या फिर आप उसको जब कोई काम नहीं होता है तो आपस में बांट लेते हैं, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कहलाता है. ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व तभी होगा, तभी रिजर्व बनेगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा तभी आप रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं. अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है या नहीं बोला है. तो देख सकते हैं नितिन, तरुण एंड अमर. नितिन है, तरुण है, अमर है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, मतलब कि तीनों क्या प्रॉफिट कैसे बांट रहा है, इक्वली बांट रहा है. तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं नितिन को हम एन लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं, पर आप एग्जाम में जब लिखे तो पूरा नाम लिखे. तो नितिन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का 1:1:1 है, मतलब कि टोटल 3 हो गया. ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया, बाद में न्यू रेशियो दिया जा रहा है 2:2:1, मतलब ये 5 हो जाएगा. ठीक है, सबसे क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि हमारा पुराना रेशियो क्या था, नया रेशियो क्या है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तीन पार्टनर था, पहले इक्वली पार्टनर था, मतलब 1:1:1, ठीक है, 3 हो गया टोटल. फिर बाद में हम लोग तय किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए 2:2:1, तो 2:2:1 कर दी, मतलब 5 हो गया टोटल. ठीक है, ये बता भी दिया है कि कब से बदलाव आ रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 से ये जो पार्टनर है वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना सारा प्रॉफिट को बांटेगा. एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, मतलब क्या टुकड़ा, मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं दिखेंगे आप, बैलेंस शीट का ये टुकड़ा देख सकते हैं जिसमें एसेट्स है और क्या है लायबिलिटी है. और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए, मतलब आप कहीं पैसा लगा के रखें 4 लाख रुपए. इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकता है, हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग ले लिए, आपने बैंक में पैसा रख दिए तो बैंक से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग से हमें क्या मिलेगा, मतलब रेंट में रख देते तो हमको लोगों को रेंट में लगा देते हमको रेंट मिलेगा. तो हर चीज जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उससे कुछ प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व कर देते हैं, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कहते हैं. शॉर्ट में आप इसको IFR कह सकते हैं, मतलब ये रिजर्व तभी बनेगा जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिजर्व भी नहीं हो सकता. इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो रिजर्व कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो रिजर्व भी बढ़ जाएगा. याद रखिए ये सब सीधे रिलेशन इसके साथ है. ठीक है, चलिए हमेशा याद रखिएगा. अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि देखते हैं बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट है और IFR जो रिजर्व है 6,500 रुपए का है. ठीक है, पहला केस यहाँ लिखा है कि व्हेन द मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मान लीजिए कि ये मार्केट वैल्यू किसके बारे में बात कर रहा है, जैसे कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है ये जो 4 लाख रुपया है, ठीक ना, और मतलब कि ये 4 लाख था, 4 लाख है, इसका नया मार्केट वैल्यू नहीं बताया गया. भविष्य में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ सकता है या घट सकता है, अगर नहीं बढ़ा है ठीक है यही है तो रिजर्व भी इतना ही रहेगा, अगर ये घट गया तो रिजर्व को भी असर करेगा, जितना ये घटेगा उतना रिजर्व घट जाएगा. तो सीधे बोला यहाँ गया कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट 4 लाख किए थे, 4 लाख ही है,
जब इसमें कोई असर नहीं होगा तो रिजर्व में भी कोई असर नहीं होगा, रिजर्व 60,000 ही रहेगा और इसको हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे ऑल रेशियो में, क्योंकि जितना भी रिजर्व होता है हमेशा ऑल रेशियो में बढ़ता है। चाहे इससे पहले जो क्लास था मैंने उसमें आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, उसमें भी हमने प्रॉफिट को ऑल रेशियो में ही बढ़ा था, और यहाँ पे भी जो हमारा रिजर्व होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको भी हम लोग ऑल रेशियो में बांटेंगे। मतलब नया रेशियो को कहीं कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं इसका, सिर्फ काम है आपका ओल्ड रेशियो का कि ये ओल्ड रेशियो हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमें काम है ओल्ड रेशियो का, तो हम लोग सिर्फ ओल्ड रेशियो के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो नितिन, तरुण और अमर, तो ओल्ड रेशियो है 1:1, तो टोटल 3 हो गया। और देख सकते हैं रिजर्व जो है वो कितना है, 60,000 रुपया है। अब आप अगर 60,000 को अगर 1:1 में बांटेंगे तो टोटल 3 है, तो बांटोगे तो आपका आ गया 20,000 मतलब क्या, इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 20,000, इसको मिलेगा 20,000, कि जब रिजर्व का वैल्यू बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है तो रिजर्व को पार्टनर को बांट देते हैं। किस रेशियो में बांट देते हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे अगर, तो करना क्या है आपको, लिखना है IFR मतलब जो रिजर्व है आपका डेबिट, ऊपर में आप यहाँ पे जनरल एंट्री लिख सकते हैं कि हाँ हम जनरल एंट्री बना रहे हैं, जनरल एंट्री हो गया यहाँ पे। IFR मतलब जितना रिजर्व है वो किसको दे रहे हैं, तो वो पार्टनर को दे रहे हैं। तो जब भी पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर का नाम को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर को फायदा हो रहा है, रिजर्व पार्टनर के रूप में बीच में बढ़ रहा है। तो देखिए 20,000 रुपया 50 का भी कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया एक अभी कितना आ जाएगा, मतलब हमारे का कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान देंगे आप, बस आपके पास जो भी रिजर्व होगा अगर मार्केट वैल्यू में कोई असर नहीं हुआ, मतलब 4,00,000 का 4,00,000 है, तो जितना रिजर्व है उसको पुराना रेशियो में बस बांट देना है। तो बढ़ गया, ये सब मिलाएंगे तो 60,000 हो जाएगा, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। बिल में बस इतना लिखना है कि IFR ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर कर दिए, टू पार्टनर्स, किसको ट्रांसफर कर दिए, पार्टनर्स को कर दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर दिए, कैपिटल अकाउंट में कर दिए, किस रेशियो में कर दिए, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको दिखाएं। करेक्ट, तो ये पहला पेज हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक देगा इसी प्रकार से हमेशा याद रखिएगा, बस कुछ भी नहीं करना है, रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देना है, और जब भी पार्टनर को कुछ भी रिजर्व मिलेगा उसका नाम क्रेडिट होने वाला है। अगला केसेस देखें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है TS ग्रेवाल का। अच्छा, इसमें कुछ केसेस हैं, टोटल केसेस 5 केसेस हैं, जिसमें पहला केसेस में लिखा गया है कि मार्केट वैल्यू जो है नॉट गिवन, कोई दिया हुआ नहीं है, तो वही 4,00,000 रुपये रहेगा। अगला मार्केट वैल्यू जो है दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू इज यहाँ पे दिया गया है मार्केट वैल्यू जो कि 4,00,000 ही है, मतलब पहले भी 4,00,000 था अभी भी 4,00,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू 4,00,000 था, 4,00,000 है, मतलब कि रिजर्व में कोई असर नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा तो इसमें जरूर असर होगा, पर इसमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा। पहला वाला में बोला था मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो 4,00,000 ही मान ली, दूसरा वाला बोल रहा है कि 4,00,000 दिया है, मार्केट वैल्यू उसका 4,00,000 है, तो डेफिनेटली कोई असर नहीं है, तो रिजर्व भी उतना ही रहेगा। तो इस केस में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना रिजर्व है 60,000 को वो बांट देंगे, मतलब केस 2 के लिए भी। केस 2 ये आपका केस 1 में क्या था, नॉट गिवन था, और केस 2 में आपको मार्केट वैल्यू गिवन है जिसमें भी आपका 4,00,000 ही है, जिसमें आप क्या करेंगे रिजर्व को ऑटोमेटिक बांट देंगे, तो ये सेम रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का नहीं बदलता है तो हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। आगे देखा जाए तो मार्केट वैल्यू अब हो गया हमारा व्हेन द इस मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। अब हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, पहला याद रखिएगा केस 1 केस 2 सेम है, अगर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, तो बढ़ गया तो फायदा हो गया हमें, बढ़ गया तो क्या हो गया, फायदा हो गया। देखिए समझिएगा होगा क्या, आप जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 4,00,000 है, यहाँ 4,24,000 हो गया, 4,24,000, तो कितना बढ़ गया, 24,000 का इंक्रीज हुआ है, मतलब आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो रिजर्व को बढ़ा सकता है। बट हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसको हम लोग प्रॉफिट मानेंगे, क्या मानेंगे, एक तरह का प्रॉफिट मानेंगे कि हाँ ये प्रॉफिट हो गया, और जो भी प्रॉफिट होता है ना हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी चीज का वैल्यू बदल दें, चाहे वो रिजर्व हो, एसेट्स हो या लायबिलिटी हो,
उसका हमेशा उसको जो भी बदलाव आता है उसको हम लोग रिवोल्यूशनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फायदा होगा तभी रिवोल्यूशनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर लॉस होगा तभी हम लोग रिवोल्यूशनरी अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। बट याद रखिएगा जो फायदा होगा तो हम लोग रिवोल्यूशनरी अकाउंट में एक्चुअली में इसको डेबिट कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इसको थोड़ा अपोजिट होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली याद रखना है जो फायदा हो गया 24,000 का उसको हम लोग क्या करेंगे। देखिए 24,000 का फायदा दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है कि 4,00,000 है, 4,00,000 24,000 रुपये हो गए, तो आपको एक और एंट्री मारना पड़ेगा इसके बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे ये मार देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। और जब भी फायदा होगा पार्टनर को तो पार्टनर का नाम क्रिएट करना है, चाहे रिजर्व से फायदा हो चाहे रिवोल्यूशन जो हम लोग चेंज जी जाए इन्वेस्टमेंट में उसकी वजह से हो। तो आप यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एंड स्क्रिप्टेड अकाउंट टू टी स्क्रिप्टेड अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एम स्क्रिप्टेड अकाउंट, टी स्क्रिप्टेड अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखेगा अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट भी गया तब भी हम लोग रिवोल्यूशन दिखाएंगे, बढ़ भी जाएगा तो भी हम लोग रिवोल्यूशन ही दिखाएंगे। अब हमारे पास बढ़ा दिख रहा है तो 24,000 बढ़ा है, अब 24,000 को भी किस रेशियो में बांटेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा ऑल रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 पे आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है 8,000 सब मिला के हो गया 24,000 रुपया। बस आपको बिंग में लिखना है यहाँ पे बिंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू बिंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट सेविंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट सेविंग रेशियो, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। तो याद रखिएगा जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा उससे कंपनी को फायदा होगा, फायदा को भी पार्टनर्स क्या करेगा बांट देगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि जब नुकसान होगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। ये फायदा हो गया फिर नुकसान बताना है, बस इतना याद रखिएगा क्वेश्चंस में कि फायदा नुकसान पे दिखना है। जब भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जैसे कि पहले 4,00,000 था, फिर उसका मार्केट वैल्यू हमेशा देगा, जैसे कि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गया तो आपको हमेशा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट को भी पार्टनर को बांट देंगे। अब पार्टनर को जब भी फायदा होता है तो वो हमेशा क्रेडिट करते हैं, इस बात को याद रखें, ठीक ना। तो इसी प्रकार से कभी काल मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। देखते हैं जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको केस 3 में तो बढ़ गया है, केस 4 में घट गया है, 3,70,000 हो गया है, 3,70,000, तब क्या करेंगे देखिए। जब घट जाएगा जैसे मार्केट वैल्यू अभी अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया इन्वेस्टमेंट में, 3,70,000 हो गया, 3,70,000, पहले 4,00,000 था फिर 3,70,000, मतलब 30,000 का लॉस हो गया, 30,000 क्या हो गया लॉस हो गया, बिल्कुल। इससे भी हम लोग रिवोल्यूशन में दिखाएंगे, पर जब फायदा होगा तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब नुकसान होता है तो हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इसी एंट्री में से हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ, बस पहले अमाउंट हटा दीजिए। देखिए हमारा रिजर्व तो 60,000 ही है, बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना घट गया, 30,000 वैल्यू घट गया, 4,00,000 था 3,70,000 गया, 30,000 का वैल्यू घट गया। तो आप क्या कीजिए रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर दीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा रिजर्व बढ़ भी सकता है, रिजर्व इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट भी सकता है। घटेगा तो रिजर्व को घटा देगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट मानेंगे उसको बांट देंगे, और घटने पे हमेशा रिजर्व को भी घटाना पड़ता है, और साथ में इसका नरेशन को हम लोग बदलना ही पड़ेगा। तो हमारे यहाँ नरेशन क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे बींग सरप्लस ऑफ IFR। देखिए सरप्लस मतलब क्या होता है, हमारा रिजर्व था 60,000 का और हमने 30,000 रुपये का लॉस हो गया हमें, क्योंकि मार्केट वैल्यू घट गया, तो बचा 30,000 रुपये। अब ये 30,000 एक तरह का सरप्लस हो गया, मतलब बचा हुआ अमाउंट, इसलिए हम यहाँ पे सरप्लस लिखे। और उसको भी कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल पार्टनर्स को ही ट्रांसफर करेंगे, ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। अगर आप यहाँ ट्रांसफर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला केस में भी हम लोग बढ़ते हैं,
अगला केस में क्या है कि हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो और भी बहुत कम हो गया है, और भी बहुत कम हो गया है। जैसे कि हमारा मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है पहले 4 लाख था, अब 3,10,000 रुपये हो गया, 3,10,000 रुपये, जो कि बहुत कम है। देखिए पहले 4 लाख था, फिर 3 लाख कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया, बहुत ज़्यादा घट गया। ठीक है, देखा जाए तो 90,000 का घट गया। देखिए जब 4 लाख से 3,70,000 हुआ था तो सिर्फ 30,000 का डिफरेंट आ रहा था, पर यहाँ से 4 लाख से 3,10,000 में 90,000 का डिफरेंट है। ठीक है, 30,000 का लॉस हुआ तो हमने कवर कर लिया रिजर्व से, 60,000 रिजर्व है, 30,000 से हमने कवर कर लिया, चलो बच्चे का 30,000 बच गया, हमने बांट दी। पर अगर देखिए 90,000 का अगर लॉस हो जाए, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 4 लाख से 3,10,000 हो जाए, इतना ज्यादा घट जाए, तो आप रिजर्व से कैसे कवर करेंगे, रिजर्व कवर ही नहीं होगा, साथ में आपको तो लॉस हो गया। देखिए 30,000 का लॉस है यहाँ पे, है ना, और आपका रिजर्व कितना है, 60,000 का है, मतलब अगर आप कवर भी करना चाहेंगे तो सिर्फ 60,000 रुपया होगा, 30,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका लॉस डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसका भी ट्रीटमेंट हम कर देते हैं कि जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे बिल्कुल IFR तो लिखा करें, पर लिख देते हैं IFR, हमेशा पहले लिख दीजिए कितना है IFR, 60,000 रुपये है। देखिए IFR जो रिजर्व है 60,000 को कर दें, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना घटा है तो आप उसको भी लिख दीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू घटा है वो आपका 90,000 घटा है, 90,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा हो गया तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा आपको 30,000 का, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो जब भी लॉस होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को उससे मैच करेंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान से देख सकते हैं कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेफिसिट या डेफिसिट, क्योंकि कमी हो गया रिजर्व में, रिजर्व 60,000 का है, लॉस आपका 90,000 का हो गया, तो डेफिसिट हो गया, तो डेफिसिट या चेंजेस जो भी लिख दीजिए। ठीक है, या लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कवर फ्रॉम IFR, सबसे पहले जो लॉस हुआ 90,000 का उसको हम कवर करने की कोशिश की इन्वेस्टमेंट से, एंड द रिमेनिंग लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करती है। करेक्ट, तो ये हमारा पहला एंट्री हो जाएगा जनरल एंट्री का। और दूसरा एंट्री होगा कि ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है उसे भी हम लोग को बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, तो जब भी हम रिवैल्यूएशन का लॉस बांटेंगे तो पार्टनर का नाम डेबिट हो जाएगा, पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एन स्केप्टेड अकाउंट डेबिट, टी स्केप्टेड अकाउंट डेबिट, ए स्केप्टेड अकाउंट डेबिट। तो यहाँ डेबिट 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 30,000 है, इक्वली बांटेंगे तो 10,000 यहाँ पे भी 10,000, सब मिलाकर हो जाएगा 30,000। और ये 30,000 में हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम लोग लिख देंगे वहाँ पे कि बिंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन ऑल रेशियो। ठीक है, चल तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी हमें इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा घट सकता है, थोड़ा बहुत घटेगा तो हम लोग कवर कर सकते हैं इससे, पर यहाँ देख सकते हैं अब कवर हो ही नहीं रहा है। जब भी रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो पार्टनर का नाम डेबिट हो जाएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किस पे, IFR पे। इसको बार बार देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, कोई भी बुक को अगर उठाते हैं तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं हम लोग और अगले क्लास में मिलते हैं। आपको कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, पर बस एक बार आप उसको बनाने की कोशिश करें, चेक करें कि कैसे क्या हो रहा है, चीजों को समझें। ठीक है, थैंक यू।